हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एएसएन सीएसएस 2025 के लिए कितनी वैकेंसी आप लोगों की आ सकती हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ बात करेंगे। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले तो ये पूछा गया था सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरे में ये पूछा गया कि कितनी वैकेंसी 2025 के लिए रिपोर्ट की गई है। तो इसने पहला जो आंसर दिया है वही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि दूसरे का इन्होंने ये बोला हुआ है कि अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं वो इन्होंने कैलकुलेट नहीं की है 2025 के लिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ 6720 है, जिसमें 1582 पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 1582 में कितनी हमें मिल सकती हैं। अभी मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो जब हमने आरटीआई लगाया था, जब वैकेंसी टेंटेटिव कैलकुलेट नहीं की गई थी, तब 1100 वैकेंसी जो थी वैकेंट थी। 1100 में से भरी कितनी गई थी, 900 के आसपास भरी गई थी। तो अभी यहाँ पे देखिए 1582 में से जब आप 900 वैकेंसी आप कर दोगे तो लगभग आपकी 700 के आसपास वैकेंसी जो है वो वैकेंट रहेंगी। तो 700 में आप ये लगाइएगा 500 से 550 के आसपास आपको वैकेंसी 2025 के लिए देखने को मिल सकती है सीजीएल 2025 के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।